खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने अपनी ही सरकार से किसानों के हक के लिए विधानसभा में अपनी बात रखी और किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। इंदौर बुधनी रेलवे लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिसमें किसानों को बाजार मूल्य से कम मुआवजा दिया जा रहा है। इसको लेकर खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि बीते 10 सालों से देवास में कलेक्टर गाइडलाइंस में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण मुआवजा कम दिया है। किसान 4 माह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने आश्वासन दिया कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने रेलवे लाइन अधिग्रहण में आने वाली जमीन के लिए दोबारा सर्वे कराने पर भी सहमति दे दी है। इस पर किसानों ने विधायक आशीष शर्मा का उनकी पीड़ा शासन तक पहुंचाने के लिए आभार जताया। जिस प्रकार कल विधानसभा सत्र में माननीय लोकप्रिय विधायक श्री पंडित आशीष जी शर्मा ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, उससे किसान जो धरना पीड़ित बैठे हुए हैं कि और इंदौर बुधनी रेलवे लाइन के जो पीड़ित हैं उनके दिल में अत्यंत खुशी की लहर दौड़ गई है और कहीं ना कहीं यह उम्मीद जग गई है कि किसानों के साथ अब अन्याय नहीं होगा। जिस प्रकार किसान विगत दिनों में कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी चौहान से मिले हैं और उनका जो महत्वपूर्ण रवैया रहा है, उससे अब किसान लगभग संतुष्टि की ओर हैं। साथ ही कलवार से कालापाटा जो रूट डाइवर्ट की मांग है वो भी लगातार उठाई जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय आशीष शर्मा का जो सहयोग रहा है वो अभिभूत करने वाला है। साथ ही हम ऐसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं कृषि मंत्री, उनका भी बहुत सहयोगी रवैया रहा है। किसान इंदौर उधनी रेल लाइन प्रभावित किसान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7-8 महीने से लगातार भूमि अधिग्रहण की अनियमितता नियमों की अनदेखी का विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें मनमाने ढंग से अलाइनमेंट सेट किया है। बहुमूल्य उपजाऊ कृषि भूमि को टारगेट किया गया है और जानबूझकर जंगल के समीप पड़ती बंजर भूमियां जो शेष थी उनको छोड़कर किसानों को बर्बाद के उद्देश्य से ये भूमि अधिग्रहण किया गया है। इसी तारतम्य में हमारे लाडले विधायक लोकप्रिय पंडित आशीष शर्मा जी ने विधानसभा सत्र के वर्तमान सत्र में पटल पर जो बात रखी है ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से, जिसमें किसानों की मुख्य मांगों को उठाया है, रूट डाइवर्ट भूमि के बदले भूमि, सांस की नौकरी और उचित मुआवजा गुणांक 2 की जो बात उन्होंने रखी 4 गुना मुआवजे को लेकर, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये भूमि इंदौर रेल लाइन में अधिकृत की जा रही है, इसी के लिए हम भी लड़ रहे हैं। जब भी माननीय विधायक महोदय जी से मुलाकात उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार तुम्हारा नारा है कि जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, इसी प्रकार विधायक साहब ने कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा और मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा। हम माननीय विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कल उन्होंने हमारी समस्या को विधानसभा में रखा है, संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।